देखिए कोई भी ज़िला जो है वो अपनी एक स्पीड से आ, चलता है ग्रो करता है और उसमें पर्सनल इंटरवेंशन हम लोग करते हैं बहुत सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन मेरे को लगता है कि डिस्ट्रिक्ट इज़ वेरी वेरी बिग देन वन पर्सन तो मेरे को लगता है कि सांबा डिस्ट्रिक्ट अगर जम्मू कश्मीर का वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रांसफार्मिंग डिस्ट्रिक्ट है नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन आज के डेट में सांबा में स्टार्ट हो गए Uh, we have aims in Samba. Uh, then we have National Forensic Science University's proposal uh, being set up in Samba. Central University is there in Samba. Uh, then you have so much industries investment which is going on in Samba, and it is uh, one of the uh, fastest uh, economic hubs of the UT. Uh, at the same time, culturally also, uh, I believe that uh, Samba is the one of the richest uh, part of Dogra culture and it still has those uh, old folklores and old places uh, i i would like to specially mention purmandal Beni um, as the kashi of north india so when i first joined uh, i went to that place and i realized how magnificent and how um, how uh, you know how culturally rich we are uh, Prashad scheme is basically पिलग्रमेज रेजुविनेशन फैसिलिटी फॉर दी हेरिटेज टाउन्स सो प्रसाद स्कीम में पुरमंडल और उत्तर बहनी को एक उसका एक हमने ब्लू जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भेजा जो फाइनली अप्रूव ही हुआ और टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू इसको जो है आगे आ, अब वी आर ट्राइंग इट बिकम्स इट टेक्स ए नैशनल लेवल का इम्पोर्टेंस जैसे आप

मुझे इसी पॉडकास्ट में पता चला कि वो मेरे स्कूल में सीनियर थे आ, हम सेम स्कूल से पढ़े हुए हैं तो हमें हमने इस पॉडकास्ट में एजुकेशन के बारे में बात की है उनकी लाइफ की हिस्ट्री के बारे में बात की है ही बिलोंग्स टू किश्तवाड़ तो किश्तवाड़ तो डिस्ट्रिक्ट की बात की है जब डी बनते हैं क्या क्या जिम्मेदारियाँ आती हैं क्या क्या उनको चैलेंजेस के साथ फेस करना पड़ता है हमने इस पॉडकास्ट में कवर करने का ट्राई किया है ऑल्सो ही इज़ एन आयस तो अभी विलियम्स आने वाले हैं तो हमने आएस के बारे में थोड़ी सी बात की है ऑल एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब्स ऑफिसर्स के रिलेटेड होने वाला है ये पॉडकास्ट आई होप आप इसको एंड तक देखेंगे बहुत ही प्यारा सिंपल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट होने वाला है um, हम स्टार टाइम स्टैम्स इसके अकॉर्डिंग दे देंगे एंड uh, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट आज के पॉडकास्ट में जिनके साथ हम बात करने जा रहे हैं उन्हें मैं एक ही बार हाल फिलहाल में मिलेगी ही uh, इज डीसी सी अभिषेक शर्मा हेलो सर हाउ हाय हाय हायवी कैसे आप हा? बिल्कुल बढ़िया uh, सब ठीक हैं थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आपने टाइम निकाला और यहाँ पे आए इट टू अस सर शुरुआत करते हैं uh, आपकी स्कूलिंग आपके रहन सहन जम्मू से ही हुआ है आप थोड़ा बताएं तनवी uh, uh, मैं किश्तवाड़ एक ज़िला है uh, जम्मू कश्मीर का उसके गांव सरकूट में पैदा हुआ uh. और uh, वहीं पे बचपन में, में मेरी दसवीं तक की जो पढ़ाई है भारतीय विद्या मंदिर स्कूल किश्तवाड़ से हुई बहुत नॉर्मल एक फैमिली से हम बिलोंग करते हैं और जैसे कि किसी भी फैमिली में जो चैलेंजेस रहती हैं वो सब देखा है और उसके बाद मेरे को लगता है कि छोटे से टाउन से या एक छोटे से गांव से जो पढ़ के बच्चे आते हैं कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन एक, एक अपने में एक रहता है कि मे बी वी आर नॉट दैट मच अवेयर सो एक शुरू में देट वॉज फीलिंग ऑलवेज एंड पोस्ट टेंथ क्लास मैं ग्यारहवीं बारहवीं कक्षा में जम्मू आया और एस पी स्मार्ट स्कूल में मैंने ग्यारहवीं क्लास में एडमिशन लिया और बारहवीं क्लास मैंने यहीं से पास की आई गॉट थर्ड पोजिशन इन दम्मू डिविजन इन ट्वेल्थ क्लास और उसके बाद फिर मैंने अपना इंजीनियरिंग जॉइन किया oh. सर <laughs> um, yes, um, आपने किश्तवाड़ के बारे में बात की uh, किश्तवाड़ जम्मू का ऐसा इलाका है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते जस्ट uh, uh, केसर या फर्ज जो उसमें एनमिटीज uh, मिलती हैं उसके बारे में जानते हैं आप किश्तवाड़ के बारे में थोड़ा सा बताएं एंड वट चैलेंजेस यू फेस की किश्तवाड़ में है और hmm. उन्हें देखने की जरूरत है uh, एक, हमेशा से एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैं बताना चाहता था बिकॉज किश्तवाड़ अभी जम्मू कश्मीर का एक सबसे बड़ा जिला है जी। और किश्तवाड़ जाना जाता है चंद्रभागा चिनाब नदी के लिए कि जब चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और किश्तवाड़ में एंटर करती है और उसी के किनारे पूरा किश्तवाड़ जिला जो है वो बसा हुआ है किश्तवाड़ का जो डिस्ट्रिक्ट हेडकुआटर है वहाँ चौगान करके एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिससे किश्तवाड़ शहर की या टाउन की पहचान पहचान है केसर की आपने बात की तो बचपन में हमने भी केसर की कैरियों में थोड़ी बहुत मेहनत की है और केसर के फूल से केसर की जो रहता है तो उसको सेपरेट किया उसमें किया है हमेशा से दिस वाज वेरी क्लोज फैमिली uh, अफेयर की सब बच्चे विंटर हॉलीडेज में बैठते थे और केसर की जो फूल थे उनमें से केसर को अलग अलग करते थे उसको सुखाते थे जी। uh, तो किश्तवाड़ में बहुत ज़्यादा आप अगर देखेंगे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड थी एग्रीकल्चर uh, बहुत प्रिमेटिव टाइप का है बिकॉज इरीगेशन फैसिलिटीज़ वेरी लिमिटेड तो जो भी प्रोडक्शन uh, था इट वाज मोस्टली सैफ्रन एंड लिटिल बिट ऑफ जो जानवरों के लिए चारा वो प्रोडक्शन होता था बट एट द सेम टाइम किश्तवाड़ इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स पल्सेस। तो राजमा उड़द काफ़ी फेमस हैं और किश्तवाड़ को जो है वो एक दो तीन वहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं गुच्छी के लिए जाना जाता है काला ज़ीरा के लिए जाना जाता है और पाडर में नीलम की बहुत पुरानी माइंस थी उनके लिए जाना जाता है जहाँ तक बात करें अगर हम कल्चरली तो किश्तवाड़ में किश्तवाड़ी बोली जाती है ये भाषा जो है काफ़ी पुरानी भाषा है और इसका कश्मीरी के साथ बहुत क्लोज क्लोजनेस है हालांकि बहुत सारे लिंग्विस्टिक्स लिंग्विस्ट्स ने Uh, किश्तवाड़ी को एक अलग लैंग्वेज भी माना है बट जोग्राफिकली किश्तवाड़ सबसे रिमोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट में से एक है हमें याद है कि जब हम बचपन में कभी किश्तवाड़ से जम्मू आना रहता था आठ आठ नौ नौ घंटे लगते थे आज तो रोड्स अच्छी हो गई हैं फाइव एंड हाफ आवर्स टू एटलीस्ट फाइव आवर्स दिस टाइम बट एक हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज ज्योग्राफिकल रिमोटनेस रहा ओके सर आपकी प्रिपरेशन पे आते हैं व्हाट मोटिवेट्स यू कि आपको आईएएस um, बनना है या फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है uh, देखिए बहुत पर्सनल सवाल है और इसमें मेरे को लगता है कोई भी व्यक्ति जब अपना करियर निर्धारित करता है तो दो तरीके से डिसाइड करता है या तो कोई इंस्पिरेशन होती है अंदर की एक आवाज रहती है जो आपको बार-बार कहती है कि आपने यह काम करना है जे. और दूसरा ये भी एक रहता है कि आपको पेयर प्रेशर या फैमिली प्रेशर या किसी प्रेशर के कारण आप डिसाइड करते हैं कि आप क्या प्रोफेशन लेंगे मेरे लिए जो आई बनने का जो एम था गोल था वो मेरी मदर ने ये सेट किया बहुत बचपन से ही मेरी मदर डीसी ऑफिस किश्तवाड़ में पोस्टेड थी उस टाइम सब डिवीज़न ही था तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस में पोस्टेड थी मैं स्कूल से जब वापस आता था तो उनके ऑफ़िस जाता था अपना बैग लेके वहाँ पे कभी बैठ के आई यूज़ टू सी हाउ द ऑफिस फंक्शन तो कभी मम्मी मेरे को ऑफिस uh, दिखाती थी कि यहाँ पे एस बैठते हैं ये होता है एस ये काम करते हैं तो दैट यूज़ टू इंस्पायर मी कि मतलब एक इंसान इतने काम कैसे कर सकता है कि सब कुछ करते हैं यू नो लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट भी है डेवलपमेंटल रिव्यू भी है कोई भी प्रॉब्लम होगी तो लोग एस के पास जाते हैं सो दैट काइंड ऑफ मी कि आई वॉन्ट टू बिकम दैट पर्सन और उसके बाद ये रेगुलरली मैंने पूछा कि कैसे बनना है देन शी शी टोल्ड कि देर आर टू वेज इधर यू कैन टेक अप स्टेट सर्विसेज का एग्जाम बट फिर आप बहुत लेट एस hmm. बनोगे और डी सी बनोगे हो सकता है रिटायरमेंट तक आप डी सी बनोगे दूसरा शॉर्टकट है, है, hmm. तो नहीं है फिर मैंने पूछा कि किश्तवाड़ में अभी तक किसी ने आई एस किया है तो देर वॉज नो बडी एट दैट टाइम हु तो कहीं ना कहीं मेरे को मेंटली ये चैलेंज भी था अपने के साथ कि आई वॉन्टेड टू बिकम फर्स्ट पर्सन हालांकि फिर मेरे से पहले और uh, मैम भी आईएएस क्वालिफाई की बट आई बिकेम द फर्स्ट मेल टू क्वालीफाई आईएएस फ्रॉम क्रिस्टल ओके यस um सो uh, कुछ चैलेंजेस आते हैं जैसे कुछ इंसिडेंट होता है जो आपकी लाइफ में इतना मूविंग होगा जो आप जिसको प्रेरित होते हुए आपने ये सेक्टर चुना आई मतलब आईएएस ही क्यों आईएएस यू वुड हैव ऑक्टेड कुछ और भी देखिए सबसे पहला किश्तवाड़ में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं था स्पोर्ट्स को लेके जो बाक़ी आज हम देखते हैं बच्चों में बहुत अवेयरनेस है बहुत सारे नए प्रोफेशंस हैं आ, आर्ट्स के फील्ड्स में बहुत सारे नए प्रोफेशंस हैं बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी मोस्टली जो लोग कर रहे थे वो या तो डॉक्टर्स बनते थे या इंजीनियर्स बनते थे इसके अलावा लोग बाकी जॉब्स में कम जाते थे ज़्यादा एम उस टाइम पे बच्चों का था या तो डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एकेडमिक्स में जाना है मतलब पढ़ाई टीचिंग लाइन में जाना है तो ये एक ऐसा मेरे को लगता था कि थोड़ा यूनिक था उस टाइम उस टाइम के लिए यूनिक था आज खैर बहुत हाँ, आ, वो हो गया है लॉट ऑफ पीपल आर नाउ इंस्पायरिंग एंड अ गुड थिंग बट दैट टाइम देर वाज नो गाइडेंस नो मेंटरशिप टाइम वेन यू नो दिसके जी वो भी एक uh, कहना चाहिए कि इंजीनियर्स लोग मर्जी से नहीं बनते हैं <laughs> कोई भी इंजीनियर बहुत कम इंजीनियर्स हैं जो अपनी uh, चॉइस से इंजीनियर्स बनते हैं हमेशा इट्स एक्सीडेंटल इन समर दे आई ऑलवेज वॉन्टेडम एन आई एस ऑफिसर बट फॉर देट देयर कुड बी एनी ग्रेजुएशन तो ईजीएस्ट ग्रेजुएशन तीन साल का ग्रेजुएशन कुड हैव बीन ह्यूमैनिटीज आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन माई ट्वेल्थ क्लास माई शुड गो टू डी टेक एडमिशन एंड गिव एग्जाम एंड दैट विल हेल्प यू एंड एक्सपोजर ऑल्सो पढ़ाई के लिए भी बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि उस समय के पेरेंट्स में एक बच्चों को लेके और वो मैंने देखा जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा ज्यादा है हाँ जी। कि बच्चों को एक प्रोफेशनल एजुकेशन uh, रहनी चाहिए जिससे बैकअप <laughs> आपका रहे हालांकि मैं उस थियोरी में अब बिलीव बिल्कुल नहीं करता हूँ उस टाइम पे बिलीव करना पड़ा बिकॉज ऑफ यू नो लॉट ऑफ पीपल यूज टू टेक डिसीजंस इट वाज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट डिसीजन सो आई टेक अप इंजीनियरिंग एज अ कोर्स सो दैट इफ़ नॉट आई एस मे बी सम अदर स्टेबल जॉब

ओके ओके सो डू यू बिलीव प्लान बी होना चाहिए हाँ मतलब आइडियलिज्म इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी गो थ्रू एनी प्रोसेस एम होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट बट ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हिच आई इवेंचुअली रियलाइज्ड मैंने जब यूपीएससी का एग्जाम दिया आई टुक थ्री अटेम्प्ट्स यू मी 3 अटेम्प्ट्स टू फाइनली क्लियर द एग्जाम During the process, I realized that a lot of students, a lot of aspirants are uh, giving this exam for five attempts, six attempts. And eventually, because success rate is very less, you know, uh, only 180 out of 10 lakh people, they get selected for IS. The rest of the uh, people who get selected for other services, eventually they also, uh, not everybody, but most of them also give re-attempts and uh, try to come into the services. but. What I've realized that uh, now we we as a as a in this generation a lot of opportunities available, mm -hmm. a lot of avenues available, and it is not the only way. Is is not the only way to create a difference in the society. Uh, if the purpose is to uh, you know serve the society, there can be n number of ways in which you can serve the society. So now I'm I, I think that uh, it what makes it more important. Uh, you mm -hmm. yes, um, पार्ट uh, की um, कुछ ऐसी क्वालिटीज तो होती होंगी ना जिनको देख के ही गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हैं या फिर yeah. कुछ बोल सकते हैं या फिर कुछ इना जैसे आप बोल रहे हैं कि आप स्टार्टिंग से ही यू वॉन्टेड टू बिकम एंड तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा देखिए मेरे को लगता है कि दोनों के अपने अपने एक स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस हैं आज का जो इकोनॉमी है इंडिया की इकोनॉमी है वो मोस्टली प्राइवेट सेक्टर लेड इकोनॉमी है जिसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और बिजनेसिस क्रिएट कर रहे हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं एक टाइम वो था जब स्टेट लेड इकॉनॉमी था जब गवर्नमेंट की ही मैक्सिमम uh, जो थी वो जॉब्स गवर्नमेंट वॉज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर आज के टाइम पे देर आर स्टार्टअप देर आर एन नंबर ऑफ पीपल हुर यू नो बिकमिंग द इकोमिक फोर्स वट डिफरेंस आई थिंक बींग अ गवर्नमेंट ऑफिशियल माई सेल्फ एंड हैडिंग अ डिस्ट्रिक्ट नाउ मेक्स मी रियलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशल्स को एम्प्लॉयज़ को कि इनएफिशंसी है टाइम टेकिंग है डिले हैं रेड टेपिज्म है बहुत सारी चीजें अमूमन स्पेशली वेन यू आर यूथ एंड वी सी की वाईज इज नॉट देर ये डिफरेंस क्यों नहीं है ये चेंज क्यों नहीं है बट आई थिंक जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि गवर्नमेंट सेक्टर uh, जो गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अभी हमने इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन करवाए वी सॉ एम्प्लॉयज यू नो गिविंग देअर ट्वेंटी फोर आवर्स फॉर वर्क विदाउट एनी एक्स्ट्रा सैलरी Salary stuck. Salary is still the same. And they are giving their 24 hours. And working tirelessly. Uh, female uh, employees. We had pink polling stations. Ko baje tak they were uh, in the collection center. And dedicated for their work. And you know, when I asked them, you You will be tired. They said, ki, if all other male employees are tired, how can we be tired? They are not tired. And how can we be tired? So, आई थिंक uh, हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कभी कभी कर लेते हैं जो स्ट्रेंथ है गवर्नमेंट की दैट इज दी कि इट ऑलवेज वर्क्स आप कभी भी देखेंगे uh, कोई भी क्राइसिस सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफिशल्स का uh, जो डेडिकेशन है अपने काम के प्रति हालांकि देर आर ऑलवेज यू नो नॉट एवरीबडी इज ऑफ द सेम एफिशिएंसी एंड ऑफ द सेम कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क बट आई थिंक दिस स्ट्रेंथ इज देयर इट्स हाउ मच वी आर एबल टू यूटिलाइज इट प्राइवेट सेक्टर का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि उसमें एक इनोवेशन है चीज़ों को करने के प्रति और आगे का जो फ्यूचर है फ्यूचरिस्टिक है गवर्नमेंट में हम लोग बहुत ज्यादा इनोवेशंस उतने स्केल पे उतनी स्पीड से नहीं ला पाते बट प्राइवेट सेक्टर एक इनोवेशन लाता है नया एक्सपीरियंस लाता है एक्सपोजर लाता है और दोनों का आज के समय में आ, मेरे को लगता है कि बोथ सेक्टर्स are complementary to each other it is government which is creating that ecosystem for for the private businesses to sustain and go ahead and also when it comes to uh, a good uh, situation लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी हो कानून व्यवस्था अच्छी हो ताकि प्राइवेट बिज़नेसेस फ्लरिश कर पाए तो दोनों सेक्टर्स का एक दूसरे के ऊपर काफी इंटरडिपेंडेंस ओके ओके इंटरडिपेंडेंट सर सांबा के बारे में बात करते हैं सिंस यू आर सांबा पहला कैसा था और अब कैसा है uh, देखिए कोई भी जिला जो है वो अपनी एक स्पीड से Uh, चलता है ग्रो करता है और उसमें पर्सनल इंटरवेंशन हम लोग करते हैं बहुत सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन मेरे को लगता है कि डिस्ट्रिक्ट इज़ वेरी वेरी बिग देन वन पर्सन वी ओनली गो एंड प्रोवाइड ट्राई टू प्रोवाइड अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द सिटीजंस ऑफ दैट प्लेस बट इवेंचुअली वट वट आर द मार्केट फोर्स वट आर द इंस्टीट्यूशनल चेंजेस विच एनी डिस्ट्रिक्ट अंडरगोज पहले की तुलना में आज के बारे में अगर आप बात करें तो मेरे को लगता है कि सांबा डिस्ट्रिक्ट अगर जम्मू कश्मीर का वन ऑफ़ द फास्टेस्ट ट्रांसफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है नेशनल uh, लेवल के इंस्टीट्यूशन आज के डेट में सांबा में स्टार्ट हो गए वी हैव एम्स इन सांबा देन वी हैव नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का प्रपोजल बिंग सेटअप इन सांबा सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज देर इन सांबा Then you have so much industries investment which is going on in Samba, and it is uh, one of the uh, fastest uh, economic hubs of the UT. Uh, at the same time, culturally also, uh, I believe that uh, Samba is the one of the richest uh, part of Dogra culture, and it still has those uh, old folklores and old places. Um, I I would like to specially mention Purmandal Uttar Behni, mm -hmm. um, as the Kashi of North India. सो वैन आई फर्स्ट जवाइंड आई वेंट टू दैट प्लेस एंड आई रियलाइज की हाउ मैग्निफिसेंट एंड हाउ हाउ यू नो हाउ कल्चरली रिच वी आर बट अनफॉर्चुनेटली विद यू नो इयर्स ऑफ उसमें बहुत ज्यादा चीज़ें नहीं हुई थी उस लेवल की

और टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू इसको जो है आगे आ, अब वी आर ट्राइंग कि इट बिकम्स इट टेक्स अ नेशनल लेवल का इम्पॉर्टेंस जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं या अमृतसर में जाते हैं सेम काइंड ऑफ फैसिलिटी सिमिलर काइंड ऑफ़ फैसिलिटी शुड भी देर परमंडल उत्तर उत्तरबैनी सेकेंडली बहुत सारी हेरिटेज थी हमारी जो डायलिपिडेडेड कंडीशन में थी आ, तीन चीज़ों पे अभी काम चल रहा था एक आ, सांबा फोर्ट जो सांबा के टाउन में लोकेटेड है देन देर वॉज बामूचक टेम्पल ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड थर्ड वॉज मोहरगढ़ फोर्ट सो फोर्ट्स एंड टेम्पल्स जो पुराने थे उनके रिवाइवल के लिए भी द यूनियन टेरिटरी हैड अ स्कीम तो उसमें हमने उनको थोड़ा एक्सपर्टाइड करा के द साबा फोर्ट इज़ नाउ वेरी वाइब्रेंट वेरी वाइब्रेंट इन द इवनिंग्स जो एक टाइम पे नशा और इस चीज़ के लिए जाना जा रहा था बिकॉज वो काफ़ी डाइलपटेड कंडीशन में था आज दैट प्लेस इज़ यू नो गेटिंग पीपल आर गोइंग देयर इन द इवनिंग वेरी पॉजिटिव प्लेस इट हैज बिकम एंड नाउ द सेम काइंड ऑफ थिंग्स वी आर ट्राइंग फॉर अदर एंशंट हैरिटेज प्लेसेस सो फोकस एज यू एज यू हैव आस्ड कि क्या चेंजेज आई हैं मेरे को लगता है कि एज फार एज द प्रजेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस क्योंकि किसी भी जगह को जो ड्राइव uh, uh, करती हैं फोर्स वो इंस्टीट्यूशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का आना डिस्ट्रिक्ट uh, में इट्स अ वेरी गुड साइन एंड प्लस जो वहाँ की पुरानी हेरिटेज है हुँ. वो भी हम संजो के रखें यह दोनों चीज़ों को अगर हम साथ में देंगे तो कोई भी जगह देट बी वेरी गुड प्लेस बिल्कुल यूनिवर्सिटी आ रही थी कि जम्मू में अभी एक तरह से कह सकते हैं कि रिवाइवल ऑफ़ फोकलोस या फिर रिवाइवल ऑफ डूंगरा कल्चर एंड हिस्ट्री हो रहा है सामबा जैसे आपने बोला सांबा फोर्ट जैसे आप, Ford, uh, जैसे आप uh, हमारी थोड़ी दिन पहले बात हुई थी कि आप उसको रिवाइवल का की ओर लेके जा रहे हैं डू यू थिंक सांबा जो इतना रिच है कल्चर और हेरीटेज में आप उसको प्रॉपर हेरीटेज मोन्यूमेंट्स या फिर प्रिजर्वेटिव uh, बना रहे हैं uh, देखिए uh, कुछ चीजें हैं uh, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करूँगा म्यूजियम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है म्यूजियम्स में बिकॉज यूरोप में जब सिविलाइजेशंस जो पुरानी थी वहाँ की uh, जब नई सिविलाइजेशंस आई दे डिस्ट्रॉयड दी ओल्ड सिविलाइजेशन एंड क्रिएटेड न्यू सिविलाइजेशन जब पुराने लोग ही नहीं बचे तो जो अवशेष थे उनके म्यूजियम्स बनाए गए बट इंडियन सिविलाइजेशन इज़ अ लिविंग सिविलाइजेशन वी आर अ लिविंग हेरीटेज आज भी हमारे घरों में हमें मालूम नहीं होगा बट बहुत सारी चीज़ें वी आर स्टिल फॉलोइंग द ओल्ड हेरीटेज एंड ओल्ड थिंग्स चाहे वह हमारे शादी ब्याह हैं या चाहे हमारी बहुत सारी फेस्टिवल्स हैं uh, हमारी हेरीटेज अभी भी हमारे पास में आई डोंट थिंक वी शुड बिकम वी शुड हैव दिस इनसिक्योरिटी ऑफ क्लोजिंग अवर हैरिटेज वी शुड वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल रिकोगनाइज कि हमारी हेरिटेज हमारे पास में है द ओनली डिफरेंस इज टू इफ वी वांट कि इसकी रिप्रेजेंटेशन हो फॉर दैट वी वर वी वी हैड टेकन अप वन प्रोजेक्ट जिसका नाम ने डुगरधानी रखा था और वो फाइनली यूनियन जब बजट प्रस्तुत हुआ उसमें वो पारित भी हो गया तो सांबा में अभी एक uh, यूटी का एक डुगरधानी uh, छोटा सा एक आप कह कह दीजिए जैसे आप कभी पंजाब में जाते हैं तो आपको छोटा सा एक विलेज टाइप का दिखता है उसी कॉन्सेप्ट को लेके एक डुगर धानी का कॉन्सेप्ट है ताकि हमारा जो डोगरा कल्चर है डुगर का जो कल्चर उसके कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन भी हो विच इज़ इम्पॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम हमारा ये प्रयास रहता है कि अपने कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए Uh, हम नॉर्मल जो भी काम करते हैं उसके अंदर उसको जोड़ा जा सकता है uh, इसका एक हमने uh, ट्रायल किया जब फिफ्थ यूटी फाउंडेशन फिफ्थ ऑफ प्रीवियस ईयर हमारा यूटी फाउंडेशन डे था दैट डे वी फोकस्ड की सांबा फोर्ट का इवेंट है तो वी विल कीप इट फुली डोगरा इवेंट तो दाल चावल अम्बल और नीचे बैठ के पत्तल में हमने सर्व करवाया और एवरीबॉडी हैड इट दैट वे सो so, कहने की बात यह है कि हमारा जो अभी अपने कल्चर को देखने का नज़रिया है वो यंग जनरेशन हैज़ अ वेरी डिफरेंट व्यू एंड एटीट्यूड आई थिंक दैट वी हैव स्टिल नॉट लॉस्ट इट वी हैव वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ कल्चर लेफ्ट एंड वी नीड टू कल्टिवेट इट यस वेरी ट्रू um सर आपकी पोस्टिंग और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन uh, के बारे में बात करते हैं व्हाट आर द पर्क्स ऑफ डीसी ऑफ डिस्ट्रिक्ट देखिए पर्क्स के मामले में तो आ, एक डिप्टी कमिश्नर का जो इंस्टीट्यूशन है एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है इट्स अ वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन मोर देन टू फिफ्टी ईयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूशन कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का फोकल पॉइंट एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है तो जो पर्क्स आप कह रहे हैं ये भी बहुत एक इंस्टीट्यूशनली बिल्ड हुई हैं चीजें तो अब आज के टाइम पे हम जिसको पर्कस कहते हैं घर गाड़ी और सिक्योरिटी एंड बेसिक जो आपका पर्सनल uh, चीजें हैं वो दे आर टेकन केयर ऑफ बट दैट इज नॉट द सेम वे इट यूज टू बी अर्लियर इन अर्लियर टाइम्स एंड इट डिपेंड्स अपॉन प्लेस टू प्लेस एंड डिपेंड्स अपॉन योर पोस्टिंग्स ऑल्सो सो नॉट एवरी स्टेट और यूटी हैज द सेम काइंड ऑफ Uh, आप दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि पर्क्स कम हो जाएंगे आप किसी सिक्योरिटी जहाँ पे इशूज ज्यादा है वहाँ पे पर्क्स बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ डेफिनेटली दी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट विच दैट इंस्टीट्यूशन होल्ड आई वॉज अर्लियर वर्किंग इन छत्तीसगढ़ तो वहाँ पर जो डीसी का घर है mm. उसको कैंप ऑफिस कहा जाता है यूपी में भी डी के घर को कैंप ऑफिस कहा जाता है बिकॉज इट ऑलवेज सर्वज एज एन ऑफिस

आप फील करते हैं दैट यू आर वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव बीन चोजन फॉर दिस रिक्वायरमेंट और दिस ड्यूटी आपकी अभी तक की जर्नी में कुछ ऐसा किसी ने कोई लोभ मिले या फिर किसी ने कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि दैट मेड यू ग्रेटफुल ऑफ दैट ऑफ योर जॉब दर इज़ नॉट अंगल डे आई डोंट थिंक सो यू नो एवरी सिंगल डे देर विल अदर पर्सन जिनका कोई बहुत पुराना कोई इशू वैसा होगा नहीं रिजोल्व हो रहा होगा एंड सम हाउ वी डोंट बिकम द ड्राइवर्स ऑफ दैट बट कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द इंस्टिट्यूशन एंड द चेयर वी होल्ड आई I can't recall any single incident because every day there are so many incidents uh, although there have been some incidents which have been impactful Uh, i'm not able to recall it right now but definitely uh i'll be um, you know if that is coming uh, out then i'll let you know um, my nanaji used to always say that neki kar aur so don't remember your good deeds always do and forget so kind of i think every day every single day there are some cases every single day not even a day when there is nobody to help mm -hmm.

लेकिन डेफिनेटली सब लोगों से मिलना पॉसिबल भी नहीं है बिकॉज आप लोग वी हैव थ्री एंड हाफ लैक पॉपुलेशन सो इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू मीट मेनी पीपल बट वी ऑलवेज प्रायोरिटाइज कि इफ देर इज एनी जेनविन पर्सन विच नीड्स हेल्प वी डेफिनेटली मीट एंड बट इट इज़ रेगुलर एंड आल्सो देर आर टूअर्स तो एक तरीका होता है कि आप ऑफिस में लोगों से मिले और दूसरा तरीका होता है कि आप जाके लोगों से मिले तो दोनों का एक हेल्दी मिक्स होना बहुत आवश्यक है किसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्योंकि ऑफिस में बैठ के अगर हम सिर्फ ऑफिस में ही बैठ के सुनेंगे तो हो सकता है फील्ड की रियलिटी हमें मालूम ना पड़े तो जब आप फील्ड में जाते हैं तो वहां पर जाके आपको रियलिटी का भी एहसास होता है कि कोई डिस्प्यूट है पुराना है तो उसमें क्या इश्यूज हैं और इसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी थोड़ा फास्ट हो जाते हैं जी। तो दोनों का एक हेल्दी मिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मली जो मैं प्रेफर करता हूँ yeah. कि जब वीक uh, डेज रहते हैं तो वीक डेज में व्हेन द वर्क शेड्यूल इज़ वेरी बिजी आई मीट पीपल इन ऑफिस बट थोड़ा भी समय अगर निकलता है दो तीन चार घंटे का तो वी प्लान सम टूअर टू एटलीस्ट वी हैव नाइन ब्लॉक्स एंड फोर अर्बन लोकल बॉडीज एंड वेरी लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया सो इन द पास्ट वन ईयर आई हैव ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट Almost all blocks, all uh, uh, municipal committees, and uh, each and every nook and corner. I have tried to, you know, visit. When I joined, I still remember there was a place uh, which was six point five kilometer on foot. So in the first week only, I took my entire team and went to that village to understand what the villagers are going through and the, their problems and their issues. So I think it is very important to hit the ground. and understand the issues and the requirement of the people. Hmm. Very true. Um, sir, आपका पूरा दिन कैसा निकलता है मतलब अच्छा. uh, starting from uh, आप office में enter होते हैं या फिर उसके बाद एक बेसिक सर अच्छा, तो आई आई थिंक लोग बिलीव नहीं करेंगे बट आई रीच ऑफिस बिफोर टेन थर्टी ऑलवेज इट हैज नेवर हैपन कि आई हैव एवर been uh, being late for office. I always try to be on time. discipline Office may start, and people also get running hmm. the affairs. Then as uh, mostly Mondays, Tuesdays, and Wednesdays, the first three days, uh, the meetings are uh, more. Mm -hmm. There are some uh, issues, some मे बी सेक्रेटेट लेवल इश्यूज, हम डिवीजन लेवल इश्यूज, तो उस पर जो हमारे सीनियर्स uh, हैं हर आर्की में दे ऑलवेज टेक रिव्यू अबाउट दी प्रोजेक्ट स्कीम्स तो वो मीटिंग्स भी रहती हैं उनकी तैयारी रहती है uh, हफ्ते में एक दिन जो है हम कोर्ट के लिए रखते हैं देर इज ऑलवेज रेवन्यू कोर्ट विच वी हैव टू सिट एंड प्रिसाइड ओवर तो 11 से 12 बजे के बीच में कभी कभी जब वो हफ्ते का एक दिन रहता है वी टेक दैट कोर्ट Uh, उसके बाद जो समय रहता है बारह बजे एक बजे दो बजे के बाद जो नॉर्मल हमारा फाइल्स हैं प्रोसेस हैं डिपार्टमेंट्स का डेवलपमेंटल साइट्स डिस्ट्रिक्ट प्लान मैजिस्टेरियल साइट सो डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है मर्ज करते हैं तो hmm. so, जितने भी चीज़ें आप सोच पाएं कुछ भी एनी थिंग यू नो अंडर सन यू थिंक ऑफ दैट फंक्शन इज बींग डन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल्सो सो so, वो प्रोसेस करने के बाद जैसे मैंने कहा कि तीन बजे से चार बजे तक पब्लिक से मिलने का टाइम रखा गया तो उसमें हम पब्लिक से मिलते हैं और जिस दिन मान लीजिए तीन बजे कोई मीटिंग आ जाए या कोई अर्जेंसी आ जाए देन आफ्टरवर्ड्स आई ऑलवेज एंश्योर कि आई कम बैक एंड मीट द पीपल ऑल्सो हु मस्ट भी वेटिंग सिंस मॉर्निंग बिकॉज पीपल आर कमिंग एंड दे हैव सम जिसकी वजह से दे माइट हैव टू मीट आई वी यूज ई ऑफिस इन आवर ऑफिसिस तो देट मेक्स अवर फंक्शनिंग वेरी ट्रांसपेरेंट पीपल आज के टाइम पे वैसा नहीं होता कि फाइलों के लिए घूमना पड़ता है कहाँ फाइल है क्या है वी हैव एन ई ऑफिस रनिंग उसके फाइल का नंबर रहता है एंड ईच एंड एवरी पर्सन कैन ट्रैक द फाइल्स सो दैट काइंड ऑफ सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर पब्लिक ऑल्सो देन आफ्टर दैट वी डू द इंटरनल रिव्यूज ऑफ वेरियस स्कीम्स आवर सेल्स जो प्रायरिटीज़ होती हैं जैसे अभी आपको मालूम होगा गर्मियाँ बहुत हैं पानी की किल्लत रहती है बिजली की किल्लत रहती है तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा रिव्यू करना पड़ता है इसके अलावा जो आने वाले इवेंट्स रहते हैं जैसे अमरनाथ यात्रा आने जी वाली है उसके ऊपर फोकस रहेगा और इलेक्शंस थे पीछे पूरा दो महीना जो है इलेक्शंस के प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में लगा सो इट ऑलवेज डिपेंड्स यू नो दर इज़ नॉट अ स्टैटिक इंड ऑफ शेड्यूल इट डिपेंड्स अपॉन वट इज़ द प्रायरिटी वट इज द इवेंट कमिंग वट आर द प्रायरिटीज कमिंग सो उसके हिसाब से हमारी प्रायॉरिटीज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो बदलती रहती हैं ऑल दो देर आर समिंग्स जो सर्विसिज़ हैं जैसे हमारी जो रेवन्यू की सर्विसज हैं वो रेगुलरली uh, उसको काम होता है बट कुछ प्रायोरिटी uh, एरियाज कुछ विजिट्स हैं इवेंट्स हैं उनको जो है उसके हिसाब से चेंज होता है आफ्टरवर्ड्स दिस प्रोसेस टेक्स टाइम एंड उसके बाद फिर से

डिपेंड uh, करता है कि आप uh, किस डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं किस पोजीशन पे हैं किसी भी जगह पे जब आप एक मैनेजरियल uh, पोस्ट पे रहते हैं तो एंटायर उस चेन को मैनेज uh, करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे वी हैव टू इंश्योर जो ग्रीवांज हैं दैट आर बीइंग एड्रेस्ड ऑन टाइम बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन ग्रीवान्स सोशल मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म दिस डेज तो इट ऑलवेज कीप्स यू ऑन होप्स यू नो देर इज़ नो स्कोप कि नौ से छः बजे के बाद यू कैन जस्ट स्विच ऑफ योर फोन एंड रिलैक्स दिस इज़ ना ना दिस इज़ लाइक ट्वेंटी फोर सेवन टाइप का काम

रिस्पांड करने के लिए या फिर बताने के लिए कि आपका इशू रिजोल्व होने वाला है या फिर उसका अपडेट देने के लिए हाउ डू यू टेक सोशल मीडिया और स्पेशली ट्विटर आपने इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट इशू uh, को रेज किया है सोशल मीडिया आज के टाइम पे एक ऐसा स्पेस है मेरे को लगता है कि आवर मोस्ट ऑफ द यूथ टुडे uh, They are living in cyberspace yeah. and even the population they are living in cyberspace. So whatever uh, happens in the physical world, it has to be you know kind of uh, reciprocated or conveyed even in the cyberspace as well. तो मान लीजिए कोई ग्रिवांस अगर ट्विटर पे आया है और डॉट सिटिजन does not know the phone number or anything of the office. तो आई दिस इस अ बिगेस्ट टूल देंड्स ऑफ सिटीजनस आप किसी को टैग करें डिपार्टमेंट को टैग कर सकते हैं करते हैं लोग एंड देर इज हैज़ रीडिफाइंड द रोल ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन द रोल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वी यूज टू थिंक फ्राम अ वेरी क्लासिक पॉइंट ऑफ व्यू अर्लियर की पहले एक समय होता था जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को माना जाता था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर विल वर्क बिहाइंड एनानमिटी वी आर सपोज नॉट टू बी सीन बट आज के टाइम पे दैट एनोनिटी इज नॉट देर ऑफ दैट शॉर्ट सिटीजन अकाउंटेबल एंड गुड थिंग वेरी गुड चेंज इट इज हेल्पिंग दी एंटायर कंट्री यू नो टू बी मोर ट्रांसपेरेंट बी मोर अकाउंटेबल सो इट ऑलवेज कीप्स अस मोर यू नो हमें भी मालूम पड़ता है बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती हैं कुछ ऐसी रियलिटीज़ होती हैं मे बी वी आर नॉट अवेयर बट सोशल मीडिया के थ्रू दैट थिंग कम्स टू अवर नॉलेज सो आई थिंक सोशल मीडिया इज़ नॉट अ नेगेटिव प्लेटफॉर्म द वे इट हैज इट इट यूजुअली वी थिंक

के लिए कुछ एडवाइस क्योंकि अभी आ, जून में आई एम आई और केएस के एग्जाम्स प्रीलिम्स आने वाले हो तनवी देखिए किसी भी कंपटीशन में कंपटीशन इन इट सेल्फ यू नो इट इज अ फिल्टर कि मान लीजिए हजार लोग हैं उनमें से दस लोग आगे जाएंगे यदि एक रेस होती है रेस में भी विनर वन टू थ्री रहते हैं बाकी लोग नहीं क्वालिफाई करते बट डजेंट मीन कि पीपल विल नॉट बिकॉज hmm. number number uh, ये एक वैसा आज के समय में कॉम्पिटिशन का भी स्केल बढ़ गया है और लोग पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर प्रिपेड फॉर द एग्जाम्स की द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन एज गॉन रियली रियली टफ Uh, कह लीजिए कि कोचिंग्स की अवेलेबिलिटी ऑनलाइन वीडियोस का होना लेक्चर्स का होना टेस्ट सीरीज का होना इट हैज़ मेड दीज थिंग्स वेरी एक्सेसिबल टू अ लार्ज ग्रुप सो दैट काइंड ऑफ मेक्स इट मोर टफ द कंपटीशन। पहला पार्ट मैं ये कहूँगा कि किसी भी एस्पिरेंट के लिए सबसे पहले अगर मान लीजिए यू में दस लाख एस्पिरेंट्स हर बार हर साल फॉर्म भरते हैं या अपियर होते हैं डजेंट मीन कि टेन लैक आर सीरियस एक्सपिरेंट्स बट स एक्सपीरियंट्स सात आठ लाख लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी एक्सपीरियंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि आई के नॉट बी कम इफ आई एम प्रीपेयरिंग आई एम प्रिपेयरिंग माई गिविंग माई हंड्रेड परसेंट सो फर्स्ट कंडीशन इज कि आई शुड बी गिविंग माई हंड्रेड परसेंट देन रिजल्ट इज नॉट इन आवर कंट्रोल सो भगवदगीता का जो निष्काम कर्म की थेरी है ट अप्लाइज हि कि आप कर्म करिए और फल की चिंता मत करिए सो इट इज वेरी वेरी रेलिवेंट इवन फॉर द एग्जाम लाइक यूपीएससी की हमारा जो कंट्रोल है दैट इज ऑन प्रिपरेशन तो हमारा काम हम प्रिपरेशन करना होना चाहिए ना कि यह सोचना कि रिजल्ट क्या आएंगे hmm. बट हमेशा बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे लोग पूछते हैं और हमें भी कहीं ना कहीं प्रेशर फील होता है चाहे वो बच्चे का फैमिली प्रेशर हो या पेयर प्रेशर हो आ, मैं ख़ुद इस चीज़ का आ, साक्षी हूँ बिकॉज़ दो बार एग्ज़ाम से जब मैं क्लियर नहीं होता था तो ये लगता था कि अब यू नो सोसाइटी में क्या सोचेंगे क्या सवाल का जवाब दूँगा पीपल यूज़ टू आस्क क्या हुआ एग्ज़ाम का एंड द आंसर वुड हैव बीन रियली टफ़ सो कहीं ना कहीं वो जो एक फियर है Uh, वही एक स्ट्रेस बन के एग्ज़ाम से पहले आता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने दम पे अपने पढ़ाई यू नो दे फाइनेंस यर ऑन स्टडीज़ एंड देन बिफोर द एग्ज़ाम दे आर वेरी वरीड की व्हाट इफ़ वी डोंट क्वालिफाई द एग्ज़ाम मे बी मेनी पीपल हैव टेकन लोन्स कुछ बच्चे हैं जिनको लगता है कि हम पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा जो है वी हैव टू मेड अ बर्डन ऑन द पेरेंट्स ऐसा लोगों को लगता है एंड दिस इज़ अ फैक्ट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु

लाइफ uh, स्टाइल अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अट्ठारह घंटे नहीं पढ़ाई करना है पढ़ाई को अच्छे से करना है छः सात घंटे जितना भी हमारे पास समय हो उसको डेडिकेशन से पढ़ना है उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं हो उसके अलावा बाकी चीज़ों को भी एन्जॉय करना चाहिए लाइफ में वी शुड एन्जॉय आवर सोशल लाइफ वी शुड एंजॉय गोइंग आउट फॉर अ वॉक मे बी वॉचिंग अवी समाइम्स वंस अ वी डजेंट हार्म Hmm. तो हमने जो बना दिया है कि पढ़ाई करो पढ़ा, कमरे में बंद करके उसको आ, एक कैदी की तरह बंद कर दो दैट इज नॉट द रियलिटी ऑफ टुडे द रिक्वायरमेंट फॉर एनी एग्जाम इज द फोकस्ड अप्रोच डिसिप्लिन एंड फॉर दैट ब्रीफ पीरियड ऑफ एग्जाम तो देर आर सम टेक्निक्स फॉमोडोनो टेक्निक है कि ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव मिनट का एक सेशन वी कैन क्रिएट जिसमें हम सिर्फ पढ़ाई करें और उसके बाद थोड़ा ब्रेक लें पांच दस मिनट के ब्रेक्स शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहें

but haan, breathing exercises are there. you can, uh, if you are feeling stressed, you can take long, deep breaths. so that helps to relax also. Uh, good quality sleep is important. a good diet is important during exams especially. Uh, ultimately, what helps uh, is the acceptance that even if this exam i don't qualify, you know, nothing will happen. एंड पेरेंट्स से भी बिकॉज इफ पेरेंट्स आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट अगर बच्चे का एग्जाम नहीं क्वालिफाई होता है तो उस केस में वी हैव टू बी वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ द चाइल्ड की ही और शी हैज नॉट डन एनी क्राइम इफ द एग्जाम इज नॉट सक्सेसफुल सो अगर वैसा फीलिंग फैमिली में आ जाती है इन दैट एक्सेप्टेंस कम्स वी आर सेलिब्रेटिंग सक्सेस आई थिंक वी शुड समटाइम सेलिब्रेट फेलियर्सो इट्स नॉट अबाउट एग्जाम में पास नहीं होना इट्स अटिग्मा आई हैली फेल्ड वेन आई कुड नॉट क्वालिफाई इन दस्ट अटेम्प्ट आई फेल्ड आई है लगता था तो एज अ स्टिग्मा इट वर्क इन द सोसाइटी वहीं पे सेम पर्सन वेन ही क्वालिफाइज और शी क्वालिफाई बिकम सक्सेसफुल एंड अ हीरो सो हम भी सेलिब्रेट करते हैं सक्सेस को champions score rank 1 2 3 score but uh, sometimes there are so many examples of somebody who has failed ultimately getting successful in life so this is not just about one exam or one attempt or something ultimately we have to see what that person does yeah. so in long run uh, we should be successful yeah. one exam cannot decide my fate yeah. so i think that feeling if we have and the parents have it'll lower a lot of stress mm -hmm. very true um so what is success and failure to you i think uh it's very personal uh first of all there is no objective definition of success and objective definition of failure uh i used to watch uh, interviews of manoj bajpai uh, mm -hmm. when he was preparing for हिज नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा डेज एंड ही टोल ही वॉज मैं उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था डज दैट मेक हिम अ बैड एक्टर नो सो अगर हम उसको किसी भी चीज को सक्सेस या फेलियर को एक एग्जाम एक टेस्ट किसी कॉलेज में एडमिशन ना होना से देखें देन ही विल बी अ फेलियर बट इफ वी सी हिज वर्क यू नो हिज वर्क वट ही हैजन द काइंड ऑफ एक्टिंग ऑफ मूवीज ही हैज डन देन ही इज अ बिग सक्सेसफुल पर्सन सो सिमिलरली फॉर मी आई थिंक वट वी डिसाइड टू डू अगर मेरे को कोई काम करना है अगर मुझे मैंने डिसाइड किया कि मेरा एम ये है ए बी सी ए और मैं उस टास्क को अचीव करता हूँ आई थिंक दैट इज अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट फॉर मीट दैट्स अ if i'm attempting my 100% so mera agar genuine attempt hai maine puri mehnat ke saath, puri dedication ke saath, without cheating i have worked hard and diligently from any work then that's a successful attempt for me even if it, the result is not good that's that's some part but failure i think as a definition failure should not be seen as an outcome hmm. i think failure is the urge not to work again hmm. फ वी डिसाइड कि मैं फेल हो चुका हूँ इसका मतलब देर इज नो स्कोप नो फ्यूचर सो वी शुड डिसाइड कि सक्सेस के मायने क्या हैं yeah. मेरे ख्याल से बार बार गिर कर उठने वाले को उसके गिरने पे नहीं जज करना चाहिए उसके उठने पे उसको सक्सेस को देखना चाहिए कि बार बार जो उठ रहा है वी शुड सेलिब्रेट दोज चैंपियंस इन द सोसाइटी एंड इफ समबडी इज फॉलिंग बैक देर देर आर पीपल अराउंड हु कैन बिकम दैट सपोर्ट सिस्टम एंड पिक हिम अप

फॉर एनी कंट्री एनी सोसाइटी और मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स को अगर हम राइटली एड्रेस करें उनके कंसर्न्स को इश्यूज को और उनके ड्रीम्स को तो देर विल बी नो प्रॉब्लम इन दी सोसाइटी टमारो आज के समय में uh, मेरे को लगता है कि जो प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं एज स्टूडेंट्स कि देर इज़ टू मच इंफॉर्मेशन ओवरलोड नंबर वन हमारे समय में उल्टा था और हमारे पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में तो बहुत ही डिफरेंस था कि अवेयरनेस का अभाव था सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं थी uh, हमारी जनरेशन वाज फार्चुनेट इनफ कि वी कुड सी बोथ हैराज यू नो वी वी आर एट द क्रॉस रोड्स कि हमने इंटरनेट के बिना वाला टाइम भी देखा और इंटरनेट के बाद का टाइम भी देखा वी कैन अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दैट डिफरेंस द काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग विच इंटरनेट हैज़ गिवन but unfortunately i have seen many such examples where uh, people have just you know um, uh, cut off themselves from the reality uh, small kids students they are locking themselves in the rooms on the front of uh, their computers laptops and parents are also busy working you know very hard uh, but ultimately we have to understand that uh, what about the social skills? what about the interactiveness of the child and kid? so all the small, uh, all the young generation who is watching this podcast, please understand that we are a human civilization. we have we are a human society. and uh, technology can be an enabler. Uh, ultimately, hamare uh, this be we should take out time to meet people, interact with your family, talk to your parents. एंड दैट काइंड ऑफ इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग विच मे बी आज रियलाइज नहीं करेंगे बट लेटर ऑन दे विल रियलाइज टू मच इंफॉर्मेशन अवर लोड का यही है कि फोकस्ड वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड बिकॉज डिस्ट्रैक्शन इज ईजी एंड फोकस एंड परसिस्टेंस इफ यू वॉन्ट टू अचीव एनी थिंग इन लाइफ दर ऑनली टू थिंग्स अगेन कृष्णा मैंशंस टू अर्जुन इन भगवद गीता की अगर आपको कोई भी काम करना है सिर्फ आपको दो चीज़ें चाहिए एक तो आपको उसका डिसिप्लिन चाहिए किसी भी काम करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए और दूसरा आपको बार बार प्रयास करना है तो अगर ये दो चीज़ें हम यंग जनरेशन कर ले किसी भी काम को अचीव कर सकते हैं वट एवर इज देअर ड्रीम्स इफ दे जस्ट बिकम मोर डिसिप्लिन एंड परसिस्ट परसिस्टेंट एफर्ट्स बार 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 प्रैक्टिस करते रहें उस चीज़ को तो कोई भी चीज़ चाहे वो म्यूजिक हो डांस हो स्पोर्ट्स हो एकेडमिक्स हो वट एवर इट इज दे कैन डू वंडर्स एंड देर आर ऑलरेडी मैनी सच पीपल हु आर डूइंग वंडर्स एज फार एज दी पेरेंट्स आर कंसर्न्ड आई वुड अगेन यू नो कनेक्ट द अदर हाफ कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पेरेंट्स कैन यू नो they can they can be a very important uh, enablers for their children's development or uh, their mental and physical and other support system. Jo baat karte Ek samay tha ki parents used to be economically not so sound, so they could not support their kids. today we have parents who are like, you know, um, they are highly, highly uh, supporting their kids and sometimes spoiling them also so ultimately we, we have a very important responsibility as parents have. Uh, it is very important to understand grooming growth, had the same kind of reflection that kid does in the society. if we see the history of uh, some criminals, it, in most of the cases they have a broken family. Uh, that's uh, that's what we have observed from the you know crime records and everything most of the criminal fam you know uh, who go into crime in very early ages uh, it is always that the family kind of is not uh, either the family is not existing or the family is disturbed or there is some certain issues so whatever parents do the children they just observe and then they re uh, reflect it mm. that behavior if parents Talk loudly. The children will learn it, and then start doing the same thing. So it's very important, parents, ke liye ki what they are thinking, what their priorities are. If parents are conversing, uh, they 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 give more value to money. So ultimately, children will always, you know, they'll grow up with that mentality ki money is the important thing. But if I have seen many families where parents have the, you know, the value system is such ki they give more importance to people. Um, to charity, to you know helping people, then the children also become like that. So whatever we do as parents, the kids will just learn that same thing. So whatever we behave, however, the way we behave has a lot of impact on the children. Um, so that is I think uh, parents role. or Uskebad in general, I think society is a very dynamic uh, organism. Mm. It doesn't depend on one person on another. I uh, feel we should be proud of our heritage culture uh, in a positive way. Not an, an, uh, taking pride in one's culture doesn't mean that we'll criticize or uh, make other cultures down. You know, look down on other cultures. Um, but ultimately, as a civilization, whatever we have, uh, we should be we should be content and proud about it. Yeah. So that kind of makes any society go very very far hmm. alright thank you thank you so thank much thank you sir. so much Tanvi taking our time thank you so I much I hope you like it you to I think the podcast ke mein laga tha, it will be sort of a conversation about you know uh, the stories and all but I think it has become more of a motivational uh, sort of but I always believe that uh, the main responsibility of

All of them are motivational inspirational in one way or the another. So I would uh, like to thank you also for the immense' service you are doing and and I think jamume this you don't have any competitor right now, so <laughs> <laughs> so it's a very good thing. The movement you have started uh, will be very uh, important.

अगर आपको इस पॉडकास्ट के रिलेटेड या फिर किसी भी पॉडकास्ट के रिलेटेड कोई गत सजेशन देना हो या आपको कुछ बताना हो आवर कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वी विल से नेक्स्ट वन